घरौंडा में एसडीएम कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर विधायक हरविंदर कल्याण ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अभिवादन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुना। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा डोरा मुक्त गांव सिरसी के डिजिटल मैप का शुभारंभ किया गया। विधायक हरविंदर कल्याण ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको, सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जनता की समस्याओं का निदान जल्द से जल्द करना चाहिए। विधायक ने कहा कि हम सबको मिलकर भ्रष्टाचार को मिटाना है और हर अधिकारी को जनता के कार्यों को सर्वोपरि रखना है और अपना अधिक से अधिक समय जनता को देकर उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए, जिससे कि हम एक सुशासन दे सके। इस मौके पर अधिकारी, जनप्रतिनिधियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोग मौजूद रहे। घरौंडा से विवेक राणा की रिपोर्ट। इसकी जानकारी ली जाएगी। कई बार ये आपका नहीं है कि पिछले 5 सालों से मामला चला रहा है? नहीं, इसकी जानकारी ली जाएगी कि उसका क्या स्टेटस है, अगर विभाग ने या प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है तो क्या कार्रवाई की है, और अगर उसमें कोई कार्रवाई बनती है तो क्या बनती है, उसकी मैं पूरी जानकारी प्रशासन से लूँगा। पिताजी, मुख्यमंत्री के अभिवादन में और आपके अभिवादन में भ्रष्टाचार को लेकर एक समाज ऑफिसों की व्यवस्था सुधारने पर बड़ा बल दिया जा रहा है। पिछले 5 साल में सरकार बीजेपी की रही है, भ्रष्टाचार कहाँ रहा है, कितनी कमी आई है, अधिकारियों पर कितनी निगेल डाली गई है, किस प्रकार की व्यवस्था सुधर पाई है? देखिए, पिछले 5 सालों में बहुत पारदर्शिता बढ़ी है और पारदर्शिता जितनी बढ़ेगी उतना भ्रष्टाचार कम होगा, और निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार में कमी आई है। मगर कभी कभी अभी भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं, कई जगहों पर भ्रष्टाचार कम हुआ है, कई जगहों पर अभी भी उस तरीके से शिकायत आती है। व्यवस्था को निरंतर ठीक रखने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हम पूरी सरकार, हम सब इसके लिए गंभीर हैं। और मैं समझता हूं कि लोगों के अंदर और भी जितनी जागरूकता बढ़ेगी वो भी एक कहीं ना कहीं इस दिशा में मददगार होगा, और जो भी शिकायत किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ इस तरीके से आएगी तो सरकार उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई भी करेगी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो ये दूसरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, इसमें सख्ती के साथ इस दिशा में और कदम उठाए जाएंगे। सीएम विंडो को लेकर मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि भी अति शीघ्रता से सीएम विंडो को निपटाया जाएगा। आपको ध्यान दिला दूं, 2014 से लेकर 2017 तक की सीएम विंडो मार्च तक पूरी करने के आदेश दिए गए, ऐसे में कहां सीएम विंडो टिकती है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ये बताया है कि लगभग 95% का जो आंकड़ा उन्होंने बताया है, तो प्रतिवर्ष के कुछ ऐसी शिकायतें होंगी जो अभी जो डिसाइड नहीं हुई होंगी, तो वो विषय उससे संबंधित है कि उन वर्षों में जो भी ऐसी लंबित शिकायतें हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। नहीं रहता है कि भी अधिकारियों की कहने की लापरवाही होती है? देखिए, वो डिपेंड करता है, अलग अलग केस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई शिकायत अभी भी लंबित है तो कोई ना कोई कारण उसका जरूर है, उसके जानकारी पूरी आने के बाद ही उसका पता चलता है कि वो क्या कारण है। अगर अधिकारियों के स्तर पर कोई इस तरह की कमी है तो वो बिल्कुल दूर होनी चाहिए, और इस तरह अधिकारी और पूरे कर्मचारी वो भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर सीएम विंडो की व्यवस्था सरकार ने बनाई है तो वो लोगों को लाभ देने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए वो व्यवस्था बनाई गई है, और गंभीरता से उसके ऊपर काम होना चाहिए। सर, पिछले दिनों एक खबर आई है कि तेलुगु भाषा को लेकर द्वितीय भाषा का यहाँ पे कुछ इस तरह की बात हो रही है, कि ये अफवाह है क्या, वाकई में इस तरह की कोई चर्चा है? देखिए, अभी इस तरह का कोई विषय नहीं है, वो तो जो पुराना एक सिस्टम है वही चला हुआ है, इस तरह की अभी कोई बात नहीं है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।